शपथ ग्रहण के 36 घंटे बाद मोदी सरकार के टॉप दो मंत्रियों ने दफ्तर का रुख किया। अमित शाह और राजनाथ सिंह नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के दो बाजुओं में अपने अपने दफ्तर पहुंचे। नॉर्थ ब्लॉक में देश के नए गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए मुख्य गेट को गेंदे के फूल से सजाया गया। मंत्रालय के तमाम बड़े अफसर अपने नए बॉस के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए राह देख रहे थे। काफिले के पहुंचते ही महकमे के आला अफसरों ने गुलदस्ते से लैस होकर अमित शाह की अगवानी की। दुआ सलाम के बाद अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री पद ग्रहण किया। पद ग्रहण के कुछ घंटे के अंदर ही आला अफसरों के साथ बैठक ली, मंत्रालय को समझा, अपनी बात भी कही। इससे पहले अमित शाह ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। राजनाथ सिंह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। अमित शाह के सामने कई चुनौतियां हैं। नक्सल समस्या तेजी से सिर उठा रही है। असम में घुसपैठ से निपटना भी अमित शाह की बड़ी चुनौती होगी। पद संभालने के बाद अपने पहले ट्वीट में शाह ने इशारा भी कर दिया कि वो जिम्मेदारियों से भिड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। अमित शाह ने लिखा, आज भारत के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला, मुझ पर विश्वास प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। देश की सुरक्षा और देशवासियों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में इसको पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आज कुर्सी संभालने वालों में राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में दफ्तर पहुंचकर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद तीनों सेना अध्यक्षों के साथ साथ महकमे के आला अफसरों के साथ बैठक की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह के समक्ष ढेरों चुनौतियां हैं। सबसे खास तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के काम में तेजी लाना है। पाकिस्तान और सीमा पार से आतंकवाद से निपटने के लिए भी रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके साथ बड़ी चुनौती चीन के साथ लगी सीमाओं पर शांति बनाए रखने की भी है।